नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। एलएसी पर भारत के 20 जवान शहीद होने के बाद से जहां एक तरफ पूरे देश में गुस्सा है, हर एक देशवासी इसका बदला चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ सबके आंखें नम हैं और नम आंखों से उन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि पूरा देशवासी अर्पित कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच अगर आप उनकी कहानी के बारे में जानेंगे, आप जानेंगे कि उस रात क्या हुआ था, किस तरीके से हमारे भारतीय सैनिक ने चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया था, तो आपको अपने आप पर गर्व होगा। आपको गर्व होगा कि आप एक भारतीय हैं, जिसका जिक्र आज पीएम मोदी ने भी अपने भाषण में किया, जिसमें उन्होंने बोला कि हमारे सैनिक मारते मारते मरे हैं। कहने का मतलब ये कि हमारे एक सैनिक थे और चाइना के 5 सैनिक, हमारा एक सैनिक चाइना के 5 सैनिक पर भारी पड़ा है। गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 14 पर जब चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों ने भारतीय सेना के जवानों पर हमला किया, उस वक्त पीएलए सैनिकों की तादाद भारतीय सैनिकों के मुकाबले 5 गुना थी। मतलब हमारे सैनिक पीएलए सैनिकों के मुकाबले 4 गुना कम थे। बावजूद इसके हमारे वीर जवानों ने चीन के 2 गुने सैनिक मार गिराए। 6 से 7 घंटे तक गलवान नदी के पास चली झड़प के बारे में बात करते हुए भारतीय सेना के एक अधिकारी ने कहा, हमारी संख्या कम थी। बता दें कि दोनों पक्षों के बीच सोमवार रात हुई झड़पों के बारे में सरकार के सूत्रों का कहना है कि चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों पर बुरी तरह से हमला किया था। सूत्रों ने बताया कि भारतीय सैनिकों के खिलाफ संख्या बढ़ाई गई थी, फिर भी भारतीय पक्ष ने पीएलए से लड़ने का फैसला किया। भारतीय चीन ने भारतीय सैनिकों का पता लगाने के लिए थर्मल इमेजिंग ड्रोन का भी इस्तेमाल किया था। सरकारी सूत्रों ने कहा कि हमारी याद में यह चीनी सेना द्वारा भारत सेना के जवानों पर किया गया सबसे घातक हमला था। बताया जाता है कि हमले में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू यह देखने के लिए गए थे कि चीनी सैनिक स्टैंड ऑफ स्थित से हट गए हैं या नहीं, क्योंकि ऐसा करने का उनकी ओर से वादा किया गया था। मगर संतोष बाबू उस स्थान पर पहुंचे तो वे वहां लगा शिविर देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तभी पीएलए के सैनिक उग्र हो उठे। चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर बेरहमी से हमला कर दिया। ध्यान रहे कि चीनी सेना के इस दगाबाजी से हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, जबकि चीन के 43 सैनिकों की मारे जाने की खबर है।